हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोनम चुबाना और आज आपके लिए आपका मन पसंदीदा रीडिंग लेके आई हूं। जी हाँ, बहुत डिमांड रहती है उसकी, लव रीडिंग्स की। अक्टूबर 2021 की लव रीडिंग्स में लेकर आई हूं अपनी 12 राशियों के लिए और हम अपने टैरो कार्ड्स के द्वारा प्रेडिक्शन करेंगे 12 राशियों के लिए कि उनका लव रिलेशनशिप जिनसे है, जिनके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी है और उनका संबंध है, वो स्पाउस वाले रिलेशनशिप में है, यानी कि हस्बैंड वाइफ है, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप है, या फिर इंगेज्ड है, या फिर लाइकिंग शुरू हो रही है, तो वो कहाँ तक, किस तरह का वो संबंध रहने वाला है, तो उसी से मुतालिक हम लव रीडिंग्स करेंगे टैरो कार्ड से। और आपको जो है एंजल मैसेज भी जरूर बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ये जो टैरो रीडिंग होती है ये एक जनरल रीडिंग होती है और ये टाइमलेस भी होती है। अव्वल तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये अक्टूबर के लिए है, 2021 के लिए, बट आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो ये आपके लिए काम करेगी, यानी कि आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो आपको मार्गदर्शन करेगी। टैरो रीडिंग क्यों देखनी चाहिए? टैरो रीडिंग देखने से एक तो हमें ये पहले से पता चल जाता है कि आगे क्या सिचुएशंस आने वाली हैं, अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें पनप रही हैं जो कि नहीं पनपनी चाहिए, तो हम पहले से तैयार हो जाते हैं और उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, क्योंकि हम अपनी डेस्टिनी के खुद डिज़ाइनर हैं, हम जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए अगर हम ये नहीं चाहते कि हमारे को कोई चैलेंज फेस करना पड़े, तो रीडिंग से हमें एक मार्गदर्शन मिल जाता है, डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। और अगर कोई वक्त क्षण ऐसा आने वाला होता है तो हम प्रॉपर प्रिकॉशन लेके उस वक्त को टाल देते हैं, ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन रहता है। अब आपको अपनी टैरो रीडिंग देखनी कैसे है, कैसे प्रिडिक्शन देखनी है, आप अपने लग्न कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, अपनी चंद्र कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, आप अपने नाम राशि के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, या फिर आप अपने वेस्टर्न ज़ोडियक साइन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं, सन साइन के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो बहुत सारे जरिए हैं जिससे भी आप रेजोनेट होते हैं, हमेशा जिस राशि से अपना राशिफल देखते हैं, मैं तो यही कहूंगी उसी से आप अपना प्रिडिक्शन देखिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जरूरी नहीं है सबके साथ जो है ये लव रीडिंग रेजोनेट करे, किसी के साथ कर सकती है, 50% लोगों के साथ कर सकती है, या कुछ पर्सन कर सकती है, 100% भी कर सकती है, 100% भी कर सकती है। तो ये डिपेंड करती है सिचुएशन टू सिचुएशन, कौन किस वक्त में रीडिंग देख रहा है, इसके भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। देखिए कई बार क्या होता है, हम अचानक से सोचते हैं कि चलिए रीडिंग देखते हैं और हम स्क्रॉल करने लगते हैं यूट्यूब और जो हमको समझ में आता है हम वो रीडिंग देख लेते हैं। उस वक्त डेस्टिनी ने आपके लिए वो रीडिंग रखी होती है रीड करने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए, इसलिए आप देखते हैं। कई बार आपके अंदर फेथ नहीं होता और आप सिर्फ प्ले वे मेथड में देखते हैं तो फिर वो उतना ही आपको परफेक्शन भी देती है रीडिंग। और कई बार आप जैसे सारा दिन में राहु काल होता है, राहु काल के वक्त अगर देखते हैं तो कई बार जो है रीडिंग्स रेजोनेट नहीं करती हैं। तो आपने प्रश्न कुंडली के बारे में तो सुना ही होगा, प्रश्न कुंडली जो है एस्ट्रोलॉजी का वो पार्ट है जिससे कि अगर किसी पर्सन के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, प्लेस नहीं है, तो प्रश्न करके किसी भी वक्त जो है वो अगर कुंडली खोलता है तो उसको उसके सवालों से रिलेटेड उस टाइम जो ट्रांजिट कुंडली बनती है उसके हिसाब से उसको जवाब मिल जाता है। तो टैरो कार्ड रीडिंग का भी ऐसे ही होता है, एक तरह से ये प्रश्न कुंडली ही है, किस वक्त आप देख रहे हैं उस वक्त सितारे आपके कितने प्रबल हैं, कितने आपके लिए फेवरेबल हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके सामने आपकी प्रेडिक्शन आ जाती है और फिर आप जो है उसको फेथफुली लेते हैं, बिल्कुल ट्रस्ट करके लेते हैं, तो वो काफ़ी हद तक आपके साथ रेजोनेट करती है। और कई बार आप ऐसे ही ले लेते हैं तो वो नहीं रेजोनेट करती है। और फिर ऑब्वियसली हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, एंड देन कर्माज ऑल्सो, ये भी ध्यान रखिएगा किसके कार्मिक साइकिल में क्या सिचुएशन चल रही है, वो कितना वो कवर कर चुका है, उसके अकॉर्डिंगली भी डिपेंड करती है टैरो रीडिंग।
कि भाई इनकी सिचुएशन ऐसी है, अभी कार्मिक साइकिल पूरा नहीं हुआ है, तो कितना इनको बेनिफिट देगी। तो इट डिपेंड्स, अब आप देखिए और देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और साथ में आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय पे पहुंच जाएं। तो ये था एक इंट्रोडक्शन, अब हम शुरू करते हैं अपनी राशि फल। थैंक यू सो मच। कैंसर राशि वालों के लिए देखते हैं, कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं कि अक्टूबर 2021 उनके लिए कैसा रहने वाला है लव रिलेशनशिप के लिए। तो देखते हैं, चार हफ्तों के लिए चार रीडिंग्स हम आप दे रहे हैं। पहला वीक कैसे रहने वाला है उसके हम कार्ड्स सीधे कर लेते हैं, अपराइट कर लेते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। नाउ फर्स्ट वीक जो है कैंसरियंस, आपके लिए रहने वाला है प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म अबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस, प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर्स, बी पेशेंट एज यू डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट। यस, फर्स्ट वीक इज़ वेरी नाइस, बहुत फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, आपके जो प्लानिंग कर रहे हैं वो पूरा हो सकता है, आपके लव लाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप एक अच्छा टाइम बिता सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, कुछ अच्छी मेरे को वहाँ पे वाइब्स नज़र आ रही हैं, अच्छी एनर्जीज नज़र आ रही हैं कैंसरियंस और आपके पार्टनर के साथ, आपका कुछ अच्छा कुछ समय बीतने का मुझे नज़र आ रहा है फर्स्ट वीक में। और दूसरा कार्ड आपका आया है टेन ऑफ पेंटिकल। येस, ऑफकोर्स अगेन कोई फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है और हो सकता है कि आप रिश्तेदारी में या फिर फ्रेंड्स में या कुछ इस तरह की इंजॉयमेंट आप करें, एक दूसरे को समय दें, आपका प्यार जो है ग्रो करने वाला है फर्स्ट वीक में। और अगर हम देखें तीसरा कार्ड क्या है, मैजिशियन एंड द मिरर। येस, तो मैजिशियन है आपके रिलेशनशिप में, एक ना जादुई चमक आने वाली है, एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आने वाला है और फर्स्ट वीक इज़ वेरी गुड, इसको अच्छे से आप इंजॉय करिए, अच्छा टाइम बिताइए और आगे के लिए प्लान आप करिए। अब सेकेंड वीक के लिए देखते हैं क्या कार्ड आया है, सेकेंड वीक के लिए आपका क्या कार्ड आया। तो सेकेंड वीक के लिए देखिए आपका कार्ड आया है द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का जो कार्ड है वो सीधा ये कह रहा है, पर्सनल पावर एंड असर्टिवनेस portrayed with kindness, compassion that brings about forgiveness, realizing that you are stronger than you knew. Yes, जो second है उसमें ज़रूर दिखा रहा है strength का card, यानी कि जो भी करें आप बहुत सोच समझ के करिए, अपने partner से जो भी बात करें बड़ा ध्यान से करिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए partner है और साथ में एक lion भी है, और ज़रूरी नहीं है कि lion हमेशा ही आराम से जो है tame होके और पालतू बन के बैठ जाए, कई बार अगर वो उल्टा पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे बड़ा आपको ना मैन्युपुलेटिवली अपने पार्टनर के साथ रहना होगा, बड़ा उसको पटा के खुश करके, उसकी अच्छी उसको जो अच्छी लगे बातें वो करके आपको अपने रिलेशनशिप को आगे सेकेंड वीक में उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि इसी हिसाब से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े, ये दिखता है। और यहाँ पे मतलब बिल्कुल ना रिस्क मत लीजिएगा। अगेन द सेकेंड कार्ड इज द फूल। फूल कहता है कि आप से कोई गलती हो सकती है, जिससे समझ लेना कि शेर के मुंह में हाथ डालना कोई मजाक बात नहीं है, कहीं ना कहीं आप कोई चांस लेने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं जिससे कि कुछ बात बिगड़ सकती है। तीसरा कार्ड आता है डोर टू स्पिरिट। नो, डोर टू स्पिरिट ये कहता है कि अगर आप मैन्युपुलेटिव होके थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होके अपने पार्टनर के साथ रहते हैं तो आपका समय अच्छा बीतेगा, बस आपको हर चीज़ को बोलने से पहले कहने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आपका पार्टनर बुरा ना मान जाए। अब हम थर्ड वीक देखते हैं, तो थर्ड वीक में क्या कार्ड आता है आपका। ओके, द एम्परर का कार्ड है, देन अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आपको बहुत आ रहा है, एंड देन रेस्ट एंड रेजुविनेशन। यस, थर्ड वीक में भी सेम एनर्जीज हैं, यानी फर्स्ट वीक आपका बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों ने कुछ प्लानिंग करी, फिर उसके बाद सेकेंड वीक में हो सकता है आप सोचे कि अब तो प्लानिंग कर ली है, अब तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड वीक में भी आपको क्या कहते हैं, लॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज योर सक्सेस, टेक चार्ज ऑफ सिचुएशन, एक्सेप्ट अ लीडरशिप रोल, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। ये तो कह रहा है, लेकिन फिर भी एम्परर की तरह आप बहुत ज़्यादा सख्त मत हो जाइएगा, अपने हिसाब से हर चीज़ को मत चलाइएगा, थोड़ा सा आपको
अपने अंदर इलास्टिसिटी रखना होगा, थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल रहना होगा, जिससे कि आपका रिलेशन ख़राब ना हो। क्योंकि अगेन नेक्स्ट कार्ड आया द स्ट्रेंथ का कार्ड। द स्ट्रेंथ का कार्ड भी कहीं ना कहीं ये कहता है कि शेर के मुंह में हाथ डालना इज नॉट गुड। जो भी करो बड़े ध्यान से करो, आप रिस्क ले सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, कोई ना कोई उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। थर्ड कार्ड आता है रेस्ट एंड रेजुविनेट। अभी थर्ड वीक में भी कुछ मत करिए, चुपचाप आप अपना रिलैक्स करिए, रेस्ट करिए। पार्टनर को जो अच्छा लगता है वो करिए, तो चीज़ें आपके सामने रहेंगी। फोर्थ वीक में देखें, अगर फोर्थ वीक में अगर हम देखें तो क्या आपको मिल रहा है। मिल रहा है वाइज काउंसलर, यानी यूनिटी विद द स्पिरिचुअलिटी माइंडेड कम्युनिटी। आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प एंड ट्रस्ट द आंसर्स विल कम। कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स विद न्यू आइडियाज टू सी विच इज़ बेस्ट बेस्ट फॉर यू। आपको फोर्थ वीक में भी मुझे कहीं यही दिख रहा है कि कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे बार 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 स्ट्रेंथ का कार्ड आया, फूल का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई ना कोई गलती ज़रूर होएगी और कुछ जजमेंट की सिचुएशन आ जाएगी। यानी आपके बीच में किसी न किसी मेंटर को, किसी सीनियर को, किसी बड़े को बीच में आना ही पड़ेगा आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ आप जजमेंटल होते नज़र आ रहे हैं, और जजमेंटल जैसे ही होंगे रिलेशनशिप पे आपके असर आ जाएगा। आपको ये भी कह रहा है स्टॉर्म वार्निंग। स्टॉर्म वार्निंग कहीं ना कहीं कह रही है फर्स्ट वीक में जिस तरह से आपका सब अच्छा चल रहा है, उसी तरह से सेकेंड वीक में भी आप कर सकते हैं, थर्ड वीक में भी कर सकते हैं और फोर्थ में भी कर सकते हैं। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू टेक योर डिसीजन, हाउ यू टेक योर लव लाइफ, हाउ यू टैकल द सिचुएशन। अपने पार्टनर को किस तरह से आप खुश रखते हैं ये अब आपको देखना होगा। तो ये थी हमारे कैंसर्स के लिए लव रीडिंग। इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए बात को, और उसी के अकॉर्डिंगली अपने अक्टूबर को प्लान करिए। और ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।